पटना रेलवे प्रशासन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्टेशन मैनेजर को एक धमकी भरा खत मिला और इस खत में एक शख्स ने लिखा कि अगर उसे 1.5 करोड़ रुपए नहीं दिए गए तो वो वंदे भारत राजधानी और जन शताब्दी को बम से उड़ा देगा। इधर इस धमकी की सूचना मिलते ही रेल थाना पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। वरीय रेल पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि किसी को फांसने या परेशान करने की नीयत से शरारती तत्वों ने धमकी भरा पत्र भेजा है। इससे पहले भी बीते दिनों पटना जंक्शन और गया पटना मेमू ट्रेन में बम होने का फोन किया गया था। दोनों मामले में रेल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। रेल पुलिस के मुताबिक साधारण डाक से राजेंद्र नगर स्टेशन प्रबंधक शेखर चंद के पास एक पत्र आया। उन्होंने पत्र खोलकर पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। धमकी भरे पत्र से रेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। बाद में इसकी सूचना रेल पुलिस को दी गई। पटना के सभी स्टेशनों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा चुके हैं। राजधानी शताब्दी और वंदे भारत ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही पटना के सभी स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है। जीआरपी और आरपीएफ स्टेशन सहित वहां से गुजरने वाली ट्रेनों में सघन जांच कर रहे हैं। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड लगातार परिसर की तलाशी ले रहे हैं।